ट्रेन को आता देखकर घबरा गया और दोनों ने बचने के लिए करीब 90 फीट गहरी खाई में छलांग लगा दी। तस्वीरें देखिए कैसे पटरियों पर पति पत्नी खड़े हैं, व्हील बना रहे हैं, लेकिन इस बीच अचानक ट्रेन आ जाती है। फिर क्या हुआ, दोनों को कुछ नहीं सूझा और पुल से नीचे कूद गए। जानवी की बहन और बहनोई भी साथ थे। दोनों चीखने लगते हैं और उन्हें बचाने के लिए खाई में नीचे उतर जाते हैं। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल को जोधपुर रेफर किया गया, वहीं घायल पत्नी जानवी का बांगड़ा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। दरअसल राहुल मेवाड़ा अपनी पत्नी जानवी के साथ शनिवार को बाइक से गोरम घाट घूमने गए थे। गोरम घाट पहुंचने पर वहां मीटर गेज ट्रेन के लिए बने हेरिटेज पुल पर दोनों फोटो शूट करवा रहे थे। इसी दौरान अचानक पुल पर ट्रेन आ गई, जिससे राहुल और जानवी दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि ट्रेन से टकरा जाएंगे। इस डर से दोनों पुल से करीब 90 फीट गहरी खाई में कूद गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उसी ट्रेन से पहले फुलाद रेलवे स्टेशन लाया गया, वहां से एम्बुलेंस और मारवाड़ जंक्शन और फिर सोजत सिटी हॉस्पिटल लाया गया। हालत गंभीर होने पर राहुल को जोधपुर रेफर किया गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई, जबकि जानवी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। बताया गया कि जानवी की करीब 1.5 साल पहले राहुल से शादी हुई थी। हैरानी की बात यह कि पटरी पर दोनों को देखकर लोको पायलट ने ट्रेन के ब्रेक लगा दिए थे। ट्रेन पुल पर जाकर रुक भी गई थी, लेकिन ट्रेन को पास आता देख दोनों घबरा गए और पुल से सीधे नीचे कूद गए। ट्रेन के पुल पर चलना गलत है, अपने दर्शकों को हम बता दें, इसके लिए प्रशासन की ओर से आगाह भी किया जाता है। ये तस्वीरें डरावनी हैं। ये तस्वीरें एक ऐसी लापरवाही के नतीजे के तौर पर हैं, जहां चेतावनी सभी को हमेशा दी जाती है कि रेल के पुल को पैदल चलकर आप पार ना करें। ये केवल